वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग गार्डन. आई एम डॉक्टर मंजू. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ रेन्स, क्योंकि हमने वाटर साइकिल अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, अभी हम ये देखेंगे कि क्या होगा यदि रेन बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉट इफ इट रेन्स हैविली. देखिए, हमने ये तो देखा कि जो रेनफॉल होती है उससे जो हमारा वाटर साइकिल चलता रहता है, जो हमारा अर्थ के सरफेस से वाटर इवेपोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, उसके बाद ये कंडेंसेशन प्रोसेस से आपके क्लाउड्स बनते हैं, एंड देन प्रेसिपिटेशन प्रोसेस से ये जो आपका पानी है ये वापस अर्थ सरफेस पे आता है, उसके बाद अगेन एटमोसफेयर में जाता है. लेकिन अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि वॉट इफ इट रेन्स हैविली, अगर आपकी बारिश ज्यादा हो जाए तो ये देखिए, क्योंकि हमारी जो अगर हम बात करें रेन टाइम की, रेन के ड्यूरेशन की और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ऐसा नहीं है कि सब जगह एक जैसा ही हो रहा है. अगर आप देखेंगे कहीं जगह पे तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है रेन होती रहती है, और कहीं कहीं जो है ना के बराबर बारिश होती है या फिर बहुत कम होती है. अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो इंडिया में जो रेनफॉल है दैट इज अकर्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. यहाँ पे बहुत गर्मी के बाद जो है ना मानसून सीजन में बारिश आती है, तो वी गेट रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज. और हमारे कंट्रीज में जो सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ द रेन, और वी कैन से अराइवल ऑफ द मानसून. बट अगर रेनफॉल बहुत एक्सेस में हो तो क्या प्रॉब्लम्स होंगे. यहाँ पे देखिए, ये आपको फिगर 14.11 दिया है, ए सीन ऑफ अ फ्लडेड एरिया. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी, हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. सब जगह पानी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और जब यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो ये जो वाटर है देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स. और बाढ़ आएगी तो फिर आपकी जो क्रॉप फील्ड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, विलेजेस हैं, सिटीज हैं, दे मे गेट सबमर्ज्ड बाई वॉटर. सब जगह पानी ही पानी हो जाएगा. इन अवर कंट्रीज फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. आप देखेंगे ना, जब भी उत्तराखंड, बिहार जैसे स्टेट में फ्लड्स आता है तो बहुत सारी फसल, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज होती है. जो फ्लड आता है तो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, दीज एनिमल्स गेट कैरिड अवे विद वाटर. जैसे पानी, पहले नदी का पानी यहाँ पे था, लेकिन अभी क्या होगा कि ये जो नदी मान लो यहाँ से बह रही थी और वो जो नदी का पानी था अब वो दूर दूर तक फैल गया. सपोज करो पानी ये जो आपकी नदी में ऐसे जा रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये जब ओवरफ्लो हुई तो इसमें जो एनिमल्स थे, ये एनिमल्स कहीं भी जो अर्थ सरफेस, लैंड सरफेस पे चले गए और यहाँ कहीं ट्रैप हो जाते हैं. उसके बाद पानी जो है धीरे धीरे जब सूखेगा या फिर जब फ्लो जो है इसका आगे की तरफ जाएगा, रिवर्स जो है आगे अपने नॉर्मल फ्लो में आएंगी, तो यहाँ से पानी वापस इधर हो जाएगा या फिर यहाँ पानी इवेपोरेशन मेथड से सूख जाएगा. तो क्या होगा, इन जो वाटर लिविंग एनिमल्स थे इनको पानी नहीं मिलेगा एंड इनकी लाइफ का यहीं पे एंड हो जाएगा. तो हम देख सकते हैं कि कितना डैमेज यहाँ पे होता है. सो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हैवी रेनफॉल होगा तो इट विल अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन लैंड एरिया, लिविंग इन वाटर, इट डैमेज अवर प्रॉपर्टी, इट डैमेज क्रॉप्स, इट डैमेज फॉरेस्ट, बहुत सारी चीजों को नुकसान करता है. अब ये तो हमने एक कंडीशन देखी जब आपकी बारिश ज्यादा होती है. सेकेंड कंडीशन है वॉट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड. मान लो लंबे टाइम तक आपकी बारिश नहीं होती है, तब क्या. मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि बहुत ही लंबे टाइम तक बारिश नहीं हुई तो क्या होगा. मान लो एक साल तक लगातार बारिश नहीं हुई या उससे भी ज्यादा बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, क्योंकि जो हमारी सोयल है, सोयल से तो वाटर कंटिन्यूअसली लूज हो रहा है,
बाय इवापोरेशन प्रोसेस, बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जो हम वाटर साइकिल में समझे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि रेन जब होती है तभी तो हमारा वापस अर्थ सरफेस पे पानी आता है, बट अगर बारिश नहीं होगी तो जो वाटर है इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय द रेन, तो सोयल क्या हो जाएगी, सोयल हमारी ड्राई हो जाएगी। उसके बाद अगर जो हमारा वाटर लेवल था पॉन्ड्स में, वेल्स में, वो सब नीचे चला जाएगा और इवन कभी कभी तो सूख भी जाते हैं। अगर आप राजस्थान साइड में देखोगे तो वहां पे जो लेक है, रिवर है, वो बहुत सूखी मिलेंगी आपको बहुत बार। वहां पे क्या है, बारिश कम होती है और जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी नीचे चला जाता है। तो इन सब सिचुएशन में क्या आएगा, ऑल दिस सिचुएशन लीड टू ड्रॉट, अकाल आ जाएगा आपका। और ड्रॉट कंडीशन में अगर आपका अकाल आ जाएगा तो वहां पे फूड और फोडर नहीं मिल सकता, आपके लिए खाना, पशुओं के लिए चारा, सब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों आपने कभी अकाल के बारे में सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट ड्रॉट्स, इट अकर्स समवेयर इन आवर कंट्री, समवेयर इन द वर्ल्ड, सो आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज। अगर आप अपने घर में कभी बड़ों से बात करो तो पूछना कि अगर ड्रोट कंडीशन आ जाएगी तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस इन दोज एरियाज। कभी कभी अगर आपने मूवी में देखा हो पानी नहीं मिलता है, लोग पानी की तलाश में बिल्कुल दूर दूर तक जाते हैं, क्या वहां पे आप वेजिटेशन, क्रॉप, फसल, फ्रूट्स, तो ये सब क्या आपको वहां पे देखने को मिलेगा? ये सब आपको सोचना है, न्यूज़पेपर मैगजीन से पढ़ना है और थोड़ा नोट डाउन करना है कि ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा। ठीक है, हमने दो प्रॉब्लम्स पढ़ी, फर्स्ट थी कि अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा होता है, और सेकंड है कि अगर आपकी बारिश नहीं होती है लंबे टाइम तक तब क्या कंडीशन होगी। तो हमने देखा कि दोनों ही कंडीशंस बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। तो इन कंडीशंस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे ओवरकम करने के लिए व्हाट वी कैन डू, तो तब आता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, वाटर को कंजर्व किया जाए, वाटर कंजर्व किया जाए, बट कैसे? अब आपका टॉपिक बनेगा हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए। तो अभी हमने बात की कि जो ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वैसे तो हमारे अर्थ का जो है 2/3 पार्ट पे वाटर है, बट जो वाटर यूजेबल है वो बहुत कम है। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो मोस्ट ऑफ द वाटर है ओशंस में दैट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सॉल्टी होता है, सलाइन वाटर है। सो व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस ड्रास्टिकली दिस कैन नॉट बी यूज एनी मोर। और जो हमारा ग्राउंड वाटर अगर वो भी बहुत नीचे चला जाएगा तो उसको भी यूज नहीं कर पाएंगे। सो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम, ये हमने पढ़ी वोटर साइकिल से कि हमारा अर्थ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है दैट इज सेम, बट वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड एंड इट इज डिक्रीजिंग विद ओवर यूजेज। क्योंकि हम पानी का तो लगातार यूज कर रहे हैं, और हम कौन सा पानी यूज कर रहे हैं जो फिट है फॉर यूजेबल, जो कि यूजेबल वाटर है, जो फिट है टू ड्रिंक, फिट है टू डोमेस्टिक पर्पज, फिट है जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, वही वाटर यूज कर रहे हैं। तो वो जो वाटर है उसका जो अमाउंट है क्योंकि हम उसको लगातार यूज कर रहे हैं तो इट इज डिक्रीजिंग विद ओवर यूजेस। अगर हम वाटर डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन राइज हो रहा है। तो हमने बताया कि केवल जो हमारा डेली एक्टिविटी में पानी है वही यूज नहीं हो रहा, उसके अलावा क्योंकि जितने लोग होंगे उन उन इतने सारे लोगों के लिए आपको क्रॉप्स प्रोडक्शन, आपका इंडस्ट्रीज में जो सामान बनता है वो सब सब बढ़ेगा। विद राइजिंग पॉपुलेशन जितने भी आपके रिक्वायरमेंट्स है वो सारी बढ़ जाएंगे, वो सारी बढ़ जाएंगी तो जो वाटर का यूज है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपने सिटीज में देखा होगा लॉन्ग क्यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ वाटर आर ए कॉमन साइट। आपने बहुत सारे विलेजेस में देखा होगा कि लोग जो है दूर दूर से पानी लेके आते हैं। मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड्स एंड बाय द इंडस्ट्रीज, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही आपका फूड ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उतना ही इंडस्ट्रीज में जो मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं हमारे डेली यूज में जो सामान यूज होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा वाटर यूज होगा।
कपड़े बनाने के लिए ज्यादा वाटर यूज होगा। सो ये सब हम करेंगे, ऑल दीज फैक्टर्स दे आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर वाटर शॉर्टेज होगी तो फिर क्या करें, वाटर शॉर्टेज होगी तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द वाटर एंड टू यूज द वाटर वेरी केयरफुली। सो वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। इसीलिए हम बात करते हैं कि वाटर इज लाइफ बट क्लीन वाटर मीन्स हेल्थ। मतलब हमें पानी जो है वो आपका जीवन है, लेकिन उसके साथ साथ पानी के साथ साथ हमें शुद्ध पानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, अगर जब हम वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि ये जो हमारा अवेलेबल वाटर होगा, तो वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर। जब बारिश आती है, बारिश के पानी को आप कलेक्ट कर लो एंड इसको स्टोर कर लो बाद में यूज करने के लिए, क्योंकि रेन वाटर आपका प्योर वाटर है। सो दिस इज द वे टू कलेक्ट द वाटर, टू स्टोर द वाटर, एंड कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? आप रेन वाटर को कलेक्ट करो और उसको आगे आने वाले फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखो, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वेयर वाटर इट फॉल्स। जहां पे पानी आपका गिर रहा है उसको आप कैच कर लो। व्हाट हैपन टू द रेन वाटर दैट फॉल्स इन प्लेसेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विद कंक्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग्स। ये बोल रहा है कि मान लो जैसे जमीन पे जो पानी गिरता है वो तो हम बोलते हैं कि जमीन के अंदर चला जाएगा तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर इंप्रूव होगा, जो ऐसे नॉर्मल जमीन है। बट जो कॉन्क्रीट एरियाज है, बिल्डिंग्स हैं, वहां पे पानी गिरेगा उसका क्या किया जाए? क्योंकि आप देखोगे कि इट फ्लो इन टू ड्रेन्स और उसके बाद फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स, और उसके बाद जो है ना रिवर्स और लेक्स से हमने पढ़ा कि इट कैन गो बैक टू ओशन, है ना, जो कि बहुत दूर होंगे। लेकिन अब इतनी दूर से फिर से हमारे घरों तक पानी वापस लेके आना फिर से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अ लॉट ऑफ एफर्ट्स विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इन टू योर होम एज द वाटर डिड नॉट सीप इन टू द ग्राउंड। यहाँ से पानी क्या है ना, बहुत दूर अगर नाली और उसमें सॉरी नदियों और झीलों में जाता है तो हमारे घरों से बहुत दूर चला जाएगा, और वहां से पानी लाने के लिए आपको फिर से बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इस रेन वाटर को घर के पास ही कलेक्ट कर लें और कुछ ऐसा बनाए कि उसको यूज भी कर सकें। जब बारिश नहीं हो रही है, जब पानी की कमी हो रही है, तो इस पानी को हम रीयूज कर सकें। तो यहाँ पे टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डिस्कस की हैं। तो पहले टेक्निक ऐसी है कि जो घरों की छतों से पानी को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना, तो उसको बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो इस सिस्टम में क्या किया जाता है, जो घर की छत से पानी को कलेक्ट किया जाता है और उसको पाइप के थ्रू एक टैंक टैंक के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इस सिस्टम में रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक। ये हम इस फिगर में देख सकते हैं, थ्रू दी पाइप्स। एंड इस वाटर के अंदर आपका सोयल प्रेजेंट हो सकता है, मान लो आपकी रूफ के ऊपर सोयल है तो दैट सोयल विल कम विद वाटर, सो इसको फिल्टर करके यूज किया जा सकता है। और दूसरा, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, एक तो हमने बताया कि टैंक में कलेक्ट कर लिया, दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके आसपास जो ग्राउंड होगा, खुला ग्राउंड, उसमें आप पिट्स बना लीजिए, गड्ढे बना लीजिए, तो उन गड्ढों में आप ग्राउंड वाटर जो ये आपका पानी आया, रेन पानी आया, रेन वाटर आया, उसको आप इन गड्ढों में कलेक्ट कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इन टू ए पिट इन द ग्राउंड। तो ये जो है, दिस वाटर देन सीप्स इन टू द सोइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। तो आपका पानी जो ना खराब नहीं होगा, आपके एरिया में आपका जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो मेंटेन रहेगा क्योंकि वो रिफिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो बह के बहुत दूर चला जाएगा तब आप उसको मेंटेन करके नहीं रख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमने बताया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सेकेंड ऑप्शन है टू अलाउ वाटर
to go into the ground directly from the roadside drains that collect rainwater. मतलब जो हमारी ये हम बात कर रहे हैं कंक्रीट एरियाज वगैरह में जो रोड साइड बनी होती हैं, तो जो रोड साइड ड्रेन्स हैं उससे इस तरह से वाटर को अलाउ किया जाए कि वो डायरेक्टली जो है जमीन में एंटर करें. सो दिस इज द अनदर मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो अभी हमने इतना ही इस वीडियो में रखते हैं, बाकी जो इसकी एक्सरसाइज है कीवर्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.